जी भाईजान, क्या नाम है? मोहम्मद अबू बकर मोहसिन। मोहम्मद अबू बकर मोहसिन, मोहसिन नाम है यार आपका? मेरा नाम भी मोहसिन है। मेरे वाले साहब का नाम माशाल्लाह अंतल मोहसिन व अनल मोहसिन वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। ठीक हो गया जी? जी चलें जी। अच्छा आप बताएं कौन सी आयतें पढ़ेंगे हमारे लिए? मैं सूरह इब्राहिम की आयत पढ़ूंगा। सूरह इब्राहिम की कौन सी आयत है? रब्बना इन्नका तअलम मा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा उसका मतलब पता है, कुछ मफहूम बताएंगे क्योंकि अभी आप जाने लगे हैं, ज़ाहिर आप तिलावत तो करेंगे जी जी, लेकिन मफहूम क्या है? ये इसमें वालदैन के हक में भी दुआ आती है। सही भी जाननी मुकीम असला। सही 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 सही। तो वालदैन के हक में इसमें दुआएं इंशाल्लाह, वालदैन की दुआएं आपके साथ हैं। और कहाँ से तशरीफ आएँ? गुजरांवाला शहर से या कहीं और से? का एक इलाका है किला रिदार सिंह। किला रिदार सिंह जी जी, वहाँ से तशरीफ लाएँ। चले इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और दुआ यही है कि आप भी किरात का सुल्तान बने और आप ही किरात का सुल्तान बने इंशाल्लाह। आइए जी बिस्मिल्लाह। क्या इसमें ग्रामी है? अबू बकर मोहसिन माशाल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाएं? मैं किला दीदार सिंह से। ठीक है, अपनी मुंतखब आयात की तिलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى فعلى الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء माशाल्लाह माशाल्लाह। सन इन रब्बी लसमीउ दुआ। अहसन माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सदकल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खूब, अच्छी परफॉर्मेंस माशाल्लाह। क्या हाल है भाईजान? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप अभी ऑडिशन देके आ रहे हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये पर्ची खोलें, हमें पता लगे कि क्या बना, क्योंकि हमें आपसे ज़्यादा इंतज़ार है ये पता लगे कि नतीजा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई।
आप क्वालिफाई कर गए हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, इसका मतलब है कि इसके बाद अब आपको हम लाहौर शहर में देखेंगे अपने स्टूडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको पता है मेहनत ज़्यादा करनी है इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर मुकाबला है तो भी इस लेवल पर नहीं रहेगा, बाकी कारी भी हैं इंशाल्लाह, और जिस लेवल पर आपने भी तिलावत की है ज़ाहिर है इससे और ऊपर जाना है इंशाल्लाह। और जब हमारे जजेज़ आएंगे तो वो और पुख्ता किस्म के जजेज़ होंगे, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक नज़र है, तो उनको भी आपको राज़ी करना है और आवाम को भी ये साबित करना है कि ये जो सिलेक्शन हुई थी ये वाकई हकीकी मानों में सही नंबर दिए गए इंशाल्लाह। आपके लिए हमारी सबकी दुआएं हैं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं, पाकिस्तानियों की आवाज़ को इंशाल्लाह हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।